आपने सुना उसे एक ही दिन में नौकरी मिल गई? जॉब मिल गई इतनी जल्दी? कहाँ जॉब मिली है? मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। ज़ैनब अब यहाँ जॉब करेगी, आज से यहाँ जानवरों की नई डॉक्टर है। मुबारक हो। क्या हुआ, क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे कोई बात नहीं करनी। गाड़ी अंदर ले चलूं मैडम? नहीं, यहीं इंतजार करेंगे। रमीज, टैक्सी वाले को पैसे दे दो और इसे कहो कि जाए। मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता कि तुमने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। अली हिकमत भी इसी तरह अपना दम तोड़ेगा जैसे तुम्हारे साथ हुआ मेरे भाई। मेरे बेटे से दूर रहो। आप यहां? खुश आमदीद। मैं तुम्हें खबरदार करती हूं, मेरे बेटे से दूर रहना तुम। बहुत देर कर दी, मैं सुल्तान के साथ डील कर चुका हूं। हक्कान, तुम सुल्तान से दूर रहो तो अच्छा होगा। सलीम, सलीम, नुसरत साहिबा को बाहर का रास्ता दिखाओ। हक्कान, मुझे कम मत समझना, आखिर मैं अली हिकमत की बहन हूं। अली हिकमत, आप? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मिसेज रिजवान? जी बिल्कुल आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। आइए बैठिए। मिसेज रिजवान, आई एम सॉरी लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं चलूंगा। मैं बस बानू के लिए फिक्रमंद था इसलिए मिलने चला आया। ठीक है, बानू अभी अपने कमरे में आराम कर रही है। इन सब बातों को लेके मुझे बहुत दुख है। जितना दुख बानो को है उतना हम में से किसी को नहीं होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपका बेटा आपकी तरह नहीं सोचता। मैं अपने बेटे को नहीं बता सकता कि उसने क्या सोचना और क्या नहीं, वो अपनी जिंदगी पे पूरा अख्तियार रखता है, चाहे आप यकीन करें या नहीं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेटी को मजीद तकलीफ हो अली अहमद साहब। मैं भी, मैं आपको कुछ देने आया था। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप मेरी तरफ से बानो को दे दीजिएगा, एक छोटा सा तोहफा है, आई होप उसे पसंद आएगा। मैं चलता हूं। या अल्लाह, टैक्सी कहाँ चली गई? रमीज, चलो। समरीन, आप गाड़ी का इंतजार कर रही हैं? मैं यहाँ। खुद को थकाएं नहीं, आए बैठ जाएं।
गुलजार, गुलजार जी बोलिए। अली हिकमत साहब, समरीन और नुसरत कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई हैं, लेकिन मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। पहले नुसरत साहिबा निकली और टैक्सी में बैठ के चली गई, और फिर समरीन साहिबा चली गई। या मेरे खुदाया, कंपनी से फोन आया जनाब, शिपमेंट रोकने के ऑर्डर्स आए हैं, जब तक उन्हें शिपमेंट बाहर निकालने के ऑर्डर्स नहीं मिल जाते वो नहीं छोड़ेंगे। वो बेवकूफ सुल्तान कहाँ है? वो क्यों अपने काम पर नहीं गया? बेवकूफ सुल्तान यहाँ है मामू। आपा कहाँ जा रही हैं? आप परेशान मत हो, आप चाहें तो हम बात कर लें। तुम क्यों शिपमेंट वाले दिन कंपनी में नहीं हो? आप भूल गए कि आपने मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया है, और अब मुझे सिर्फ ऑरेंजेस इकट्ठा करने के लिए भेज दिया है। बेवकूफों वाली बातें मत करो, जाओ जाके काम करो, अपनी फैमिली को पागल मत बनाओ। आपकी फैमिली में सिर्फ समरीन मामी और सलमान है, 20 साल हो चुके हैं आपकी फैमिली के साथ रहते हुए। तुम क्यों इतने बदले हुए हो? सलमान, मैं जैनब से प्यार करता हूं। मुझे ये बताओ आखिर बात क्या है, क्या मैंने यहाँ रुक के गलती की? जैनब को बहुत अच्छा लगा ये जानकर। मैं हैरान हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी, मैंने जैनब को किस किया। सलमान तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। दरअसल मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और आप हकान के फार्म से इतनी आसानी से निकल आई। बहुत खूब, आप हमें बेवकूफ बना रही थी इतने सालों से। आपका बेटा सुल्तान उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मजाक मत बनाओ, मेरा और मेरे बेटे का हमने कुछ गलत नहीं किया। आप दोनों अली हिकमत को धोखा दे रहे हैं। आह, किसी ने कहा था कि फार्म पे एक गद्दार है, किसे मालूम था कि वो लोग अपने ही हैं। समरीन, शर्म आनी चाहिए। कब तक आप दोनों अली हिकमत से इस तरह झूठ बोलते रहेंगे नुसरत आपा? जानती है ना, जब अली हिकमत को आपके और सुल्तान के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? वो यकीन नहीं करेगा, मैं झुटला दूंगी तुम्हें। आपा ये फोन कितना अच्छा है ना, देखें जरा। लाओ ये मुझे दो समरीन। आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैंने इसका बैकअप भी बना रखा है, किसी भी वक्त ये तस्वीर अली हिकमत के सामने होगी। समरीन तुम गलत सोच रही हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, क्या कहा था आपने? अगर मैं सलमान को सब सच बता दूं तो वो तुम्हारा चेहरा जिंदगी भर नहीं देखेगा, ऐसा कहा था ना आपने? इधर देखें, एक मेरा बेटा है और दूसरा मेरा शौहर। मैं तो किसी तरह इस मुश्किल से निकल जाऊंगी, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं अली हिकमत को ये सब बता दूं, तो वो आपको यहाँ से लात मार के निकाल देंगे। अब ये आपकी किस्मत है कि अली हिकमत आप पे कितना मेहरबान होता है। अब इत्मीनान से बैठ के सोचिए, अब आप किसी भी बारे में सलमान से कोई भी बात नहीं करेंगी। कहाँ गए हो तुम दोनों इतनी देर से? हम मार्केट गए थे, असल में हम दोनों ही भूल गए थे कि आज क्या दिन है। हाँ हम भूल गए थे। या मेरे खुदाया, तुम लोग एक साथ क्यों नहीं गए जब तुम्हें एक ही जगह जाना था? मैंने समरीन से कहा था, लेकिन ये भूल गई इसलिए मैं पहले चली गई। मुझे क्या पता था कि मेरा माइंड चेंज हो जाएगा, इसलिए आपा को अकेले जाना पड़ा। तुम दोनों ही अजीब हो, मैंने सलमान को भी फोन किया था, उसने भी फोन नहीं उठाया, आज सभी अजीब हुए हैं।
तुम मुझे कुछ बताओ कि हुआ क्या है। बस कर दो जैनब, मुझसे बात मत करो तुम। क्यों? बात करो, खामोश क्यों हो? तुम वही हो ना जो मेरे बस का पीछा कर रहा था और जिसने कहा था अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मेरे लिए घर पे खाना भिजवाया। ठीक है, ये मेरी गलत फहमी थी कि सलमान एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। तुम्हें कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारी खामोशी समझ रही हूं। जैनब, अगर मैंने बोलना शुरू किया तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। सलमान, आखिर हुआ क्या है? ज्यादा मासूम मत बनो। शुक्रिया। सारा दिन आपसे मेरी बात नहीं हो सकी, फोन पे भी बात नहीं की आपने। वो वक्त अब गुजर गया। मैं मिसेज रिजवान की तरफ जाना चाहती थी लेकिन नहीं गई, मुझे डर था कि वो मुझे कहीं कुछ कह ना दें। मेरी बात हो गई थी। अच्छा, तो क्या आज वो ऑफिस गई थी? उनके घर गया था। अकेले? मुझे नहीं बताया। मुझे तुमसे इजाजत देनी होगी क्या? नहीं, मुझे लगा कि हम दोनों साथ जाते तो ज्यादा बेहतर होता। और कोई बात नहीं, ये हमारे बेटे की वजह से हुआ है, उसने उसे ठुकरा दिया इसलिए मैं गया था। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप कमजोर लम्हे में औरत के साथ रहना बखूबी जानते हैं। सलमान, मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूं। यहां काम क्यों कर रही हो तुम जैनब? ये प्रॉब्लम है। इस आदमी ने मेरे तमाम घोड़े ले लिए। सलमान, वो घोड़े तुमने खुद बेचे थे, सुल्तान ने मुझे ये बताया है। अच्छा, ठीक है, तुम तो सब जानती हो, सुल्तान ने तुम्हें सब बता दिया है। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे काम करना है। यहां पर कोई दूसरी जॉब ढूंढती। इतना आसान है? तुम्हारे भिजवाए हुए खाने के साथ जिंदगी गुजारूं क्या? यहां पर हमारे फार्म के बहुत सारे घोड़े मौजूद हैं, अगर तुम काम करना चाहती हो तो। बहुत हो गया सलमान, तुम जानते हो मैं समझी थी कि। मैं भी जैनब, मैं भी। तुमने सुल्तान को अपने पास क्यों आने दिया आखिर? ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुल्तान ने मुझे नहीं छुआ है। सुल्तान ने मुझे बता दिया है। चाहे तुम यकीन करो या ना करो, सुल्तान ने तुमसे झूठ बोला। मैं जा रही हूँ। जैनब, मुझे जाने दो। सलमान, मुझे छोड़ दो। रुक जाओ जैनब, मत जाओ, नहीं जाने दूंगा। जैनब, प्यार करता हूं मैं तुमसे। Thank you.